ऑल राइट गाइस, तो आज हम टीयर डाउन करने वाले हैं बोल्ट एक्सप्लोर 1500 ब्लूटूथ स्पीकर का। तो अगर आप इसकी अनबॉक्सिंग एंड डिटेल रिव्यू देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में आप चेक कर सकते हैं एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इसको ओपन करने के लिए सबसे पहले इसकी जो फ्रंट स्पीकर ग्रिल है हमको ये निकालनी होगी, तो सबसे पहले इसको हम निकाल लेते हैं। एंड इसकी स्पीकर ग्रिल निकल चुकी है, तो अब यहाँ पे इसके 8 स्क्रू हैं, इनको भी हम निकाल लेते हैं। तो स्क्रू हमने सारे खोल दिए हैं, अब सिर्फ इसका जो फ्रंट पैनल है इसको हमने हल्का सा यहाँ से पुल करना होगा एंड ये बाहर आ जाता है ऐसे। तो फ्रंट पैनल बाहर आ चुका है। तो ये रहा इसका 3 वॉट का स्पीकर एंड ये इसका बेस रेडिएटर है। एंड इसका जो बेस रेडिएटर है यहाँ पे पेस्ट नहीं है, इजीली यहाँ से बाहर आ जाता है इस तरीके से। तो अब इसका बैक पैनल भी हम निकाल लेते हैं। इसको निकालने के लिए भी आपको सिर्फ हल्का सा यहाँ पे पुल करना होगा। एंड ये बाहर आ जाता है। तो पीछे से कुछ इस तरीके का है। ये रहा इसका 3 वॉट का स्पीकर, ये इसकी 1200 mAh की बैटरी है एंड यहाँ पे इसकी मदरबोर्ड है। साथ ही स्पीकर के ऊपर के हिस्से का ये पार्ट जो है अलग निकल जाता है, आपको सिर्फ हल्का सा इसको खींचना होगा इस तरीके से। तो तकरीबन हमने पूरा स्पीकर खोल दिया है, इसकी मदरबोर्ड को भी हम यहाँ से बाहर निकाल देते हैं। तो अब इसका बैटरी का एंड स्पीकर का कनेक्शन हम यहाँ से निकाल देते हैं। ये गया स्पीकर का कनेक्शन एंड ये बैटरी कनेक्शन। तो ये रही इसकी मदरबोर्ड जैसा आप देख सकते हैं एंड इसी में इसके सभी पोर्ट्स हैं, जैसे माइक्रो यूएसबी पोर्ट हो गया, यूएसबी पोर्ट हो गया, ऑक्स पोर्ट हो गया एंड टीएफ पोर्ट हो गया। एंड मदरबोर्ड में इसके सभी बटन्स दिए गए हैं। एंड ये इसका माइक्रोफोन का कनेक्शन है तो इसको हम रहने देते हैं। तो अब इसकी बैटरी हम निकाल लेते हैं। तो ये रही इसकी बैटरी एंड 1 सेल बैटरी ये है एंड 1200 mAh की बैटरी ये है एंड इसको रिप्लेस करना काफ़ी इजी है। एंड ये रहा इसका 3 वॉट का स्पीकर। तो स्पीकर के अंदर का पूरा ओवरव्यू मैं आपको दे चुका हूँ, अब इसको फटाफट से हम क्लोज कर देते हैं एंड चेक कर लेते हैं प्ले होता है या नहीं होता है। तो सबसे पहले इसका स्पीकर हम यहाँ पर लगा देते हैं वापस एंड उसके बाद इसकी बैटरी को हम यहाँ पर लगा देते हैं एंड इन दोनों का कनेक्शन हम वापस इसमें जोड़ देते हैं। तो स्पीकर लग चुका है, बैटरी लग चुकी है एंड दोनों का कनेक्शन भी यहाँ पे लग चुका है। अब इसके ऊपर का सिलिकॉन कवर हम लगा देते हैं एंड अब इसका बैक कवर भी हम लगा देते हैं। तो इसका बैक पैनल भी लग चुका है, इसका कवर भी लग चुका है। अब इसका बेस रेडिएटर हम यहाँ पे वापस लगा देते हैं। तो अगर मैं इसका नेकेड बेस टेस्ट करना चाहता हूँ तो मैं कर नहीं पाऊँगा क्योंकि इसका बेस रेडिएटर यहाँ पे पेस्ट नहीं है। या तो मुझे इसकी ग्रिल लगानी होगी या मुझे इसके लिए यहाँ पे इसको पेस्ट करना होगा। तो बेस टेस्ट के लिए मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो मेक श्योर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर रहे हैं अगर आप इसका बेस टेस्ट देखना चाहते हैं। तो अब इसको एक बार हम ऑन करके देख लेते हैं ये ऑन होता है या नहीं होता है। तो ऑन हो रहा है, इसका मतलब है वर्क भी कर रहा है। तो फटाफट से इसको हम पूरा क्लोज कर देते हैं एंड सॉन्ग्स प्ले करके चेक कर लेते हैं। ऑल राइट गाइस, तो ये था हमारा आज का वीडियो। आशा करता हूँ आपका वीडियो पसंद आया होगा। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके पास एक बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए, उसके बाद इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। तो आप देख रहे थे भाई सो टैकी और मैं मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस।